हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये हमारी क्लास 2 है स्कोपस की। देखो, स्टूडेंट्स को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्कोपस में आपका किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रिसर्च पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में जाके दिया और वो रिसर्च पेपर ना होके एज अ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश हो गया, कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश हो गया। आपको मार्क्स मिलने थे आर्टिकल के या रिसर्च पेपर के। अब आपका जो वो पब्लिकेशन है वो अंडर द डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है कॉन्फ्रेंस पेपर, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कोपस में डॉक्यूमेंट टाइप्स कैसे होते हैं। सो स्कोपस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स कवर होते हैं, मतलब स्कोपस बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करती है। सो प्राइमरी मीन्स दैट द ऑथर इज आइडेंटिकल टू द रिसर्च इन चार्ज ऑफ द प्रेजेंट फाइंडिंग्स। सो स्कोपस में बहुत सारी डॉक्यूमेंट टाइप्स कवर होती हैं। अगर हम करंटली देखें तो 90.6 मिलियन कोर रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कवर हैं अलग अलग पब्लिशर्स की, बेशक वो स्प्रिंगर नेचर की हो, विली बैकवेल की हो, टेलर फ्रांसिस की हो, IEEE की हो, अमेरिकन फिजिकल साइंसेस की हो, एल्सेवियर्स की हो, या और भी बहुत सारे पब्लिशर्स। अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप्स समझने हैं विच आर कवर्ड इन द स्कोपस। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच आर कवर्ड इन स्कोपस। आप जो पेपर पब्लिश करवा रहे हो या जो भी चीज आप पब्लिश करवा रहे हो सकती है या तो आर्टिकल हो या AIP। व्हाट इज AIP? AIP इज आर्टिकल इन प्रेस। उसके अलावा बुक हो सकती है, एंटायर बुक, या फिर अ बुक चैप्टर हो सकता है, या फिर या कॉन्फ्रेंस पेपर हो सकता है, डेटा पेपर हो सकता है, एडिटोरियल हो सकता है, इरेटम हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता भी नहीं होंगी। आज मैं ट्राई करूंगी कि आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में बता पाऊँ। ठीक है, लेटर हो सकता है, नोट हो सकता है, रिट्रैक्टेड आर्टिकल हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, शॉर्ट सर्वे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ आइडिया दिया है जो आपका स्कोपस में कवर होता है। अब हमें ये तो पता लगा कि मैम स्कोपस में क्या चीजें कवर होती हैं, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन स्कोपस। सो यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, जो चीजें स्कोपस में कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग लगाई उसके एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते एंड बुक रिव्यूज भी नहीं होते। तो ये हमारा मेन है, बट अभी हमें डिटेल में समझना है व्हाट इज दिस, क्या क्या कवर होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स मतलब आपकी ओरिजिनल सर्च और ओपिनियन। तो आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पीयर रिव्यू किए जाते हैं, कुछ बहुत सारे लेंथ के होते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं आर्टिकल में, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मटीरियल एंड मेथड होता है, रिजल्ट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, डिस्कशन होते हैं एंड रेफरेंसेज होते हैं। सो आपका जो आर्टिकल होता है उसमें ये सारे सेक्शन मोस्टली होते ही है। However, case reports, technical and research notes and short communications are also considered to be articles and may be as short as a length of one page. तो कई बार आपको one page का भी article मिलेगा, वो depend करेगा case to case. Articles in trade journals are typically shorter than in peer-reviewed journal. So, आपको इससे ये भी पता लगा कि आर्टिकल लॉन्ग लेंथ वाले भी होते हैं, शॉर्ट लेंथ वाले भी होते हैं। सो जो ट्रेड जर्नल की आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉर्टर होते हैं एंड इतने भी ब्रीफ हो सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही पेज के हो। आर्टिकल सबको समझ आया। अब आर्टिकल इन प्रेस क्या होता है। आर्टिकल ऐसे जो एक्सेप्ट हो गए हो एंड ऑनलाइन अवेलेबल हो बिफोर द ऑफिशियल पब्लिकेशन, हम उसको बोलते हैं आर्टिकल इन अ प्रेस। अगर आपने एंटायर मोनोग्राफ दिया है, एंटायर बुक दिया है, दैट इज अ बुक। सो बुक पूरी की पूरी अगर आपने करवाई है तो उसमें फॉर बुक्स विद इंडिविजुअल चैप्टर्स, हर एक चैप्टर होता है एंड उसमें समराइजिंग भी होती है। इस वे में उसकी इंडेक्सिंग बुक टाइप में सोर्स होती है। अब आपने सिर्फ बुक चैप्टर दिया, सो बुक चैप्टर में क्या है, आपने चैप्टर इन अ बुक दिया है या बुक सीरीज वॉल्यूम दिया है जिसमें आपकी आइडेंटिफाई करा जाएगा किस हेडिंग के अंदर, किस सेक्शन के अंदर आपने वो चैप्टर इन अ बुक दिया है। सो आई होप आपको चार डॉक्यूमेंट टाइप्स क्लियर हुए होंगे। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल इन अ प्रेस क्या होता है, बुक क्या होता है, चैप्टर क्या होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है कॉन्फ्रेंस में। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं एंड बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा पेपर पब्लिश हो गया। कई बार वो आपका एज अ आर्टिकल पब्लिश नहीं होता एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आर्टिकल की होती है। सो उस केस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो अगर आपने ओरिजिनल आर्टिकल रिपोर्टिंग डाटा प्रेजेंटेड एट अ कॉन्फ्रेंस या सिनोप्सियम में किया है तो दैट वुड बी पब्लिश्ड अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर। आपको चेक करना है कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कि उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज वहां पे मेंशन है। तो जो कॉन्फ्रेंस पेपर है उनकी लेंथ डिपेंड करेगा कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर में रेंज इन लेंथ एंड उसमें फुल पेपर्स भी हो सकते हैं, समरीज भी हो सकती है एक पेज के, डिपेंड करेगा। अब डेटा पेपर क्या होते हैं। सो सर्चेबल मेटाडेटा डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग एंड ऑनलाइन असेसिबल डेटा सेट, तो वो हो गए हमारे डेटा पेपर्स। सो डेटा पेपर्स का इंटेंट होता है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन देना ऑन द रिलेटेड डेटा सेट्स विच फोकसेस ऑन डेटा कलेक्शन, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, एक्सेस एंड पोटेंशियल रीयूज रेदर देन इन्फॉर्मेशन ऑन डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस।
ये थोड़ा सा ना आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं ना, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम गाइड के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट जब तक हमें खुद को बेसिक टर्म्स नहीं क्लियर, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन योर रिसर्च जर्नी। खुद जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, कोई आपको एज इट इज नहीं सिखा सकता, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसलिए मैंने आपको ईजी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है स्कोपस। तो मैं आपके लिए 50 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें आपको मिनिमम 50 वीडियोस मिलेंगे स्कोपस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर हमें लगा हम इन वीडियोस को एक्सटेंड भी करेंगे, सो यू हैव 50 क्लासेस फॉर द स्कोपस इन द प्लेलिस्ट सेक्शन अंडर द नेम ऑफ स्कोपस। ठीक है, एडिटोरियल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स की समरी होती है, एडिटोरियल्स के ओपिनियंस, रिव्यूज वगैरह बताए जाते हैं। सो अगर आपने कोई एडिटोरियल लिखना है, उसमें एडिटोरियल में इंट्रोडक्शन होगा, लीडिंग आर्टिकल होगा, प्रीफेस होगा या फिर फॉरवर्ड होगा, सो ये सारी चीजें होती हैं। इरेटम क्या होता है, इरेटम इज एन रिपोर्ट ऑफ एन एरर, करेक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर। सो इरेटम नोटिस इज लिंक्ड टू द ओरिजिनल पब्लिश पेपर, दिस कंसर्न्स एंड वाइस वर्सा। तो इसमें शॉर्ट आइटम्स होती हैं, साइटिंग एरर्स होते हैं, करेक्शंस होते हैं, रिट्रैक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। सो आपको ये टर्म पता होना चाहिए इरेटम। उसके बाद लेटर, लेटर एडिटर को लिखोगे तो कई बार रिप्लाइज होते हैं, कई बार आप लेटर लिखते हो, इंडिविजुअल लेटर लिखते हो, ठीक है। नोट, नोट में आप शॉर्ट आइटम्स बताते हो, नोट्स भी हो सकते हैं। रिट्रैक्टेड आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, इरेटम और रिट्रैक्शन नोटिस उसमें बताया होता है, तो रिट्रैक्टेड वाले आर्टिकल्स होते हैं। रिव्यू में क्या करते हो, आप रिव्यू करते हो ओरिजिनल सर्च को, कई बार इसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी होते हैं, तो रिव्यूज में एक्सटेंसिव बिब्लियोग्राफी होती है। क्यों, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें क्या करोगे, रिव्यू करोगे, ठीक है। तो रिव्यू होता है, इसमें नॉन ओरिजिनल आर्टिकल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद शॉर्ट सर्वे में क्या होगा, शॉर्ट मींस पहले ही शॉर्ट है, तो मिनी रिव्यू होगा ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च, तो इसमें कमी पेजेस होते हैं एंड इतनी ज्यादा बड़ी बिब्लियोग्राफी नहीं होती। सो दीज आर द मेन काइंड्स व्हिच आर कवर्ड इन द स्कोपस हेडिंग, एंड जो चीजें कवर नहीं होती जो मैं आपको बता रही थी, दैट वर द बुक रिव्यूज। तो स्कोपस में बुक रिव्यूज कवर नहीं होते क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है कवर करने वाला। सो बुक रिव्यूज साइट कई बार मतलब इतने ज्यादा साइट भी नहीं होते, इतने ज्यादा यूज भी नहीं होते। उसके बाद इसमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स के एब्स्ट्रैक्ट भी कवर नहीं होते, मीटिंग एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते, एंड ना ही वो इतने ज्यादा यूनिक होते हैं, ना ही उनमें प्रॉपर पीयर रिव्यू होते हैं, इसलिए स्कोपस उनको भी कवर नहीं करता है। सो आई होप सबको डॉक्यूमेंट टाइप्स क्लियर हुए होंगे। सो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बताई हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस के SDG गोल्स के साथ कैसे अलाइन करती है। सो ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग स्पॉन्सर्स वगैरह भी हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए ओपन एक्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन, हम ओपन एक्सेस के बारे में आगे वाली वीडियोज में कवर कर लेंगे, बट जो हमारी फिलहाल की वीडियो थी दैट वॉज अबाउट वट आर द डॉक्यूमेंट्स कवर्ड इन द स्कोपस, एंड आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज आर क्लास 2 फॉर द स्कोपस, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि चैनल आपकी हेल्प कर रहा है, गिव मी योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।